बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये लाइनें आज की शिक्षा व्यवस्था पे पूरी तरीके से सटीक बैठ रही हैं। सबसे बड़ा सवाल है गुरुजी के लिए, गुरुजी ने सब तो पढ़ लिया, सीख लिया, पढ़ा भी रहे, लेकिन एक सवाल है कि सर प्रमोट होंगे या पेपर होंगे, तो इसे गुरुजी को भी नहीं पता है, क्योंकि ये मीडिया के लोगों ने, जो हमारे बंधु भाई बैठे हुए हैं, इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त किया है कि जवाब दे पाना मुश्किल है, कौन सी न्यूज सही मानी जाए और कौन सी गलत मानी जाए। और जो कुछ बचा था वो कुछ यूट्यूबर थे, जैसे एक लाइन मिलती है बस प्रमोट कर देते हैं, उनके घर में मार्कशीट बनती है, मशीन उनके घर पे लगी हुई है, वो क्या करते हैं, वो प्रिंट करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ले जाओ जाओ प्रमोट हो गया। और बच्चों को क्या, सिर्फ उनको एक बहाना चाहिए, 5% स्टूडेंट पढ़ता था और वो भी नहीं पढ़ रहा है, अब उसने भी पढ़ाई अपनी बंद कर दी, तो ये तरीका गलत है। इस तरीके से जब तक आपको कोई ऑथेंटिक न्यूज़ ना मिले, तब तक आप ऐसी कोई खबर ना दें जिससे कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो। सकारात्मक खबर दीजिए जिससे पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़े, क्योंकि ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर अगर आप गलत तरीके से कोई खबर देते हैं तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, और ऐसा ही हुआ है। चलिए कुछ बात करते हैं हम इन्हीं टॉपिक पे, कुछ न्यूज़ की कटिंग हैं जिन पर हम बात करने जा रहे हैं, आपको भी हम दिखाते हैं। चलिए अभी आपको दिखा रहे हैं, ये खबरें हैं, अभी इनका देखिएगा फिर इसके बारे में सोचिएगा कि क्या इन्होंने किया है। देखिए जैसे एक लाइन इन्होंने कही कि उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी, ठीक है, अब इन्होंने अपने तरफ से निकाला कि फाइनल का पेपर होगा, बाकी पेपर नहीं होगा। अब गुरुजी क्या कहेंगे कि यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के पेपर नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद हुआ क्या, इसमें सिफारिश की गई है कमेटी की, ना कि इसका कोई अंतिम निर्णय आया है। जब कोई अंतिम निर्णय आता आप छाप देते, वैसे 3 महीने हो गए बच्चों ने पढ़ाई नहीं की, पिछले साल तो किए ही नहीं थे, बीच में महीने 2 महीने की पढ़ाई हुई, अब उन्होंने पढ़ना शुरू किया तो आपने प्रमोट कर दिया, अब प्रमोट कर दिया, लेकिन प्रमोट किसमें किया, सिफारिश हुई है। तो इस चीज को आप पहले भी क्लियर लिख सकते थे, इसमें सकारात्मक खबर दीजिए, ऐसी खबरें नहीं दी जाती हैं। आपको देख लीजिए यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ है। अब देखिए प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों को प्रोन्नत करने की संतुति, मतलब यहाँ पे भी प्रोन्नत करने की संतुति दी गई, कमेटी ने रिकमेंड किया है कि प्रमोट करना चाहिए। अब सरकार का जो फैसला आएगा उस पर निर्णय लेंगे, सरकार का जो अंतिम निर्णय आएगा उसी पर तो काम आगे होगा। अब सरकार क्या करती है उस पर भाई कमेटी बैठेगी, फाइनल डिसीजन आएगा उस पर हम काम करेंगे। देखो इन्होंने कहा सरकार अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, और रिपोर्ट सौंप दी आपने छाप दिया बच्चों, अब बच्चे इसे आधार पे हम लोगों से पूछ रहे हैं, तो जब अभी कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया तो हम लोग कैसे डिसीजन उनको दे दें। तो ये भी है, और भी ऐसे ही और खबरें आ रही हैं। तो देखिए छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी, अब यहाँ पे दो विरोधाभासी सेंटेंस हैं, पूरे तरीके से देख लीजिए स्टेटमेंट जो दिए गए हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रमोट करने की, गत वर्ष के आधार पर अंक मिलेंगे, और यहाँ पे जो कुलसचिव जी हैं उनके बारे में बात होती है, तो इन्होंने लिखा कि विश्वविद्यालय परीक्षा कराने के बारे में निर्णय शासन स्तर पर होगा। अब इन्होंने यहाँ पे निर्णय ले लिया, और यहाँ पे सेंटेंस में कहा गया कि निर्णय होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या निर्णय दे दे गुरु जी, उनके लिए तो समस्या है ना। तो आप अपने पड़ोसी के लिए पढ़ रहे थे, आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे थे, आप पड़ोसी के लिए पढ़ रहे थे। सरकार ऐसी कौन सी वैकेंसी निकालती जिसमें बिना पेपर कराए आपको डायरेक्ट डीएम बना दिया जाता, तो चलो ठीक है प्रमोट हो जाओगे तो मान लेते हैं प्रमोट हो जाओ, तब तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। तो भैया आप अपने लिए पढ़ रहे थे, पड़ोसी के लिए नहीं पढ़ रहे थे। जो हर एक लाइन मिली भाई गुरुजी को चिपकाना शुरू कर दिया कि भाई पेपर होगा कि नहीं होगा। अब यूट्यूबर को चाहिए चटपटा मसाला, उन्होंने क्या किया उठा के डाल दिया। अब स्टूडेंट चारों तरफ उसको फैलाए हुए प्रमोट हो गए प्रमोट हो गए, तो खुश रहो प्रमोट हो, लगातार 2 साल प्रमोट होना इतना आसान बात है क्या? प्रमोट करने के भी कुछ मानक होते हैं, उनके आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ऐसे आपको नहीं प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए और भी दिखाते हैं आपको खबर, ये देखिए स्नातक द्वितीय तृतीय के छात्र बिना परीक्षा के होंगे प्रमोट, पूरी खबर पढ़िएगा किसको मार्कशीट मिली है ये भी आप पता कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, इस साल की पढ़ाई तो आपने बर्बाद कर दी, अगले साल की शुरू नहीं हुई, तो जब फाइनल आ जाए आप डिसीजन ले लें पूरी तरीके से तब आपको बताना चाहिए।
हालांकि आप सब लोग पूरी तरीके से पूरा वीडियो देखिए और एक एक लाइन इसकी पढ़िएगा रोक के वीडियो को। अब चलते हैं, अब देखिए यहां पे इन्होंने खंडन कर दिया, वहां पे प्रमोट कर रहे थे और यहां पे इन्होंने क्या कहा, प्रमोशन जो है किरा आसान नहीं है। अब बताओ इतना आसान नहीं होगा, और ऊपर कह रहे हैं कि प्रमोट हो चुके। दोनों खबरें देखिएगा, एक दूसरे की विरोधाभासी हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या निर्णय लिया जाएगा? तो भैया जो पढ़ रहे हो ना, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, सरकार के लिए नहीं पढ़ रहे हो और किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। तो ये देखिए, इस साल भी प्रमोट किए जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। अब यहां पे इन्होंने फाइनल कर दिया, इनका निर्णय आ गया, निर्णय दे दिया। कमेटी बनाई गई थी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, कमेटी ने अपनी सिर्फ रिपोर्ट दी है। देखो शासन ने तीन कुलपति की बनाई समिति, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट, ऊपर इन्होंने प्रमोट कर दिया और नीचे रिपोर्ट मांगी गई है। अभी अपने तरफ से मीडिया वालों ने रिपोर्ट दे दिया। भैया ये इतना सेंसिटिव मैटर है, इस पर इस तरीके से उपटांग खबरें लिखते हो, चटपटी चीजें, तो पढ़ाई को ध्वस्त ना करो, वैसे बर्बाद हो चुका है। शिक्षा का स्तर क्या है ये सब लोग जानते हैं, और जो लोग गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हो, कृपया अपने बच्चों को समझाएं कि पड़ोसी के लिए नहीं पढ़ रहे थे, सारे काम चल रहे हैं, दुकानदार भी चोरी से अपना दुकान खोलने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ बच्चे पढ़ नहीं रहे। बहुत सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत कंटेंट आपका यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा हुआ है, उस कंटेंट को लीजिए, पढ़िए, अपने लिए पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, उन यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़िए जो सिर्फ आपको चटपटी खबरें देते हैं। बस यही बातें थी कि अपने आप को बर्बाद मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।